Hello everyone. Continuing with the topic of programming with C++, constructors and destructors. आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे different ways to call a constructor. दो different ways होते हैं, implicit call और explicit call. उसके बाद हम देखेंगे copy constructor क्या होता है. Then we will see about the dynamic initialization of objects. ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द वेज टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर. सो जब हम वेज टू कॉल की बात करते हैं तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पास करने के लिए, कॉल करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इनिशियल वैल्यूज जो है वो पास करनी कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. तो अगर आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट इंट आई फ्लोट जे, तो जब मैंने इसको कॉल किया था तो इनिशियल वैल्यूज 170 पास की थी. अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो एरर आएगा. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है दैट फॉर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियल वैल्यूज मस्ट बी पास एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. और ये जो वैल्यू की पासिंग है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, ये दो तरीके से होती है. एक तो है इम्प्लिसिट कॉल और एक है एक्सप्लिसिट कॉल. तो इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं क्या होते हैं. थ्योरी बहुत सिंपल है. बाय इम्प्लिसिट कॉल इट मींस दैट द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इवन व्हेन इट्स नेम हैज नॉट बीन मेंशन इन द स्टेटमेंट. इसमें हम स्टेटमेंट में इसका नाम मेंशन नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम मेंशन नहीं करते हैं. तो देखो कैसे होता है. एग्जाम्पल वही है स्टूडेंट वाला. सो एक बेसिक सा बना लेते हैं स्टूडेंट टेबल का. सपोज एक क्लास है स्टूडेंट, देन इसके अंदर एक SID ले लेते हैं और एक मार्क्स ले लेते हैं. और अब हम यहां पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे. सो स्टूडेंट int I and float j, और उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं इनको इनसे इनिशलाइज कर देंगे सिंपल. दैट इज SID इज इक्वल्स टू I एंड मार्क्स इज इक्वल्स टू j. तो ये क्लास हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी. अब देखते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉल एक्चुअल में है क्या. सो मेन के अंदर लिखेंगे पूरा प्रोग्राम. अब int main अगर मैंने लिखा स्टूडेंट S1 4,100 और यहीं पे इसको बंद कर दिया. अब आप देखो मैंने इस स्टेटमेंट में, इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लास नेम. ये क्या है, क्लास का नाम है. ये क्या है S1, ये ऑब्जेक्ट का नाम है. और ये दोनों क्या है, पैरामीटर्स हैं. ठीक है ना. So in this statement there is no mention of constructor name. इस पूरी statement में हमने constructor को नाम को mention नहीं किया है. But still your call will call this particular parameterized constructor and this is called as implicit call. सो इम्प्लिसिट कॉल क्या हुई, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां से कंस्ट्रक्टर का कॉल होना और उस स्टेटमेंट में, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्टर के नाम को मेंशन ना करना, वो होता है इम्प्लिसिट कॉल. कि इसमें जो कंपाइलर है वो इम्प्लिसिटली अपने आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है. अब देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉल कैसे होती है. सो प्रोग्राम यही है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग है उसमें डिफरेंस आएगा. So it will be like this, student S2 is equals to, now you have to mention the name of the constructor, that is student और उसके arguments, suppose 5,200. Now you can see that this is class name. ये क्या है, ये class का नाम है, ये object का नाम है. और ये क्या चीज़ है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम हो गया.
सो इसमें जो प्रोग्रामर है, यूजर है, वो एक्सप्लिसिटली अपने आप से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है. सो दिस इज एक्सप्लिसिट कॉल. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर दैट इन इम्प्लिसिट कॉल द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज नॉट मेंशन्ड बाय द प्रोग्रामर और द यूजर, वेयर एज इन एक्सप्लिसिट कॉल द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर एक्सप्लिसिट. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉल. और ये जो है, ये दोनों हम जनरली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के टाइम पे ही देखते हैं इनको. सो दिस इज अबाउट द वेज टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर. नाउ लेट्स सी अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सो कॉपी कंस्ट्रक्टर, इट इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द फॉर्म क्लास नेम, देन देर इज वन आर्ग्यूमेंट. उसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है जो होता है क्लास नेम एम्परसेंट. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है, ये एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करता है. सो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करता है. ठीक है, अभी एग्जांपल से देखेंगे क्या है. द कंपाइलर विल यूज द कॉपी कंस्ट्रक्टर वेन एवर यू इनिशियलाइज एन इंस्टेंस यूजिंग वैल्यूज ऑफ अनदर इंस्टेंस ऑफ सेम टाइप. तो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कब कॉल होता है, कंपाइलर से कब कॉल करता है? जब आप एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हो और वो इंस्टेंस किसी दूसरे इंस्टेंस की वैल्यूज को यूज करता है. तो इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. क्लास में एक स्टूडेंट आया, उसका इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, उसकी वैल्यूज को हमने इनिशियलाइज की. एक और स्टूडेंट आया, और अगर मैं दूसरे स्टूडेंट की वैल्यूज को भी पहले वाले स्टूडेंट की वैल्यूज से ही इनिशियलाइज करना चाहता हूं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज होगा उस केस में. ठीक है. सो एग्जांपल देखते हैं इसका सिंपल सा. अगर मैंने लिखा, एक स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूं मैं, स्टूडेंट एक बनाया ऑब्जेक्ट S1. सो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो एट दिस पॉइंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. ठीक है. तो इस मोमेंट पे तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. बट अगर मैं लिख देता हूं यहां पे स्टूडेंट S2 is equals to S1. अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, एक ये जो इंस्टेंस क्रिएट किया था इसके अंदर S1 इंस्टेंस की वैल्यूज को कॉपी कर दिया. मतलब ऐसे कि आई हैव इनिशियलाइज एन इंस्टेंस नेम्ड S2 विद द वैल्यूज ऑफ अनदर इंस्टेंस नेम्ड S1. नाउ एट दिस पॉइंट इस वक्त कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड. इस वक्त कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? सो अ कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स ए रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, रेफरेंस को स्टोर करता है. अब देखो इसी प्रोग्राम में मैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखता हूं. पूरा प्रोग्राम सेम है, इसमें हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है. अब एक और कंस्ट्रक्टर मैं बनाता हूं जिसको हम कहेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो कैसे क्रिएट करते हैं? सो हैश दिस इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो लिखने के लिए क्या लिखोगे आप, स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, क्लास नेम एम्परसेंट. दैट मीन्स स्टूडेंट एम्परसेंट एस, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को स्टोर कराना. देन लाइक दिस. अब देखो क्या है, वैल्यूज क्या क्या मेरे पास, एस आई डी और मार्क्स. सो एस आई डी को किससे इनिशियलाइज करूंगा मैं, किससे करेंगे, एस डॉट एस आई डी. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं पूरा कैसे वर्किंग होती है. ऐसी एस डॉट मार्क्स, सॉरी मार्क्स इज इक्वल्स टू किससे इनिशियलाइज होगा, एस डॉट मार्क्स. तो ये तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन हो गई. अब देखते हैं जब ये कॉल होता है मेन से, किस तरह से कॉल होगा. सो पहले ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट S1 370. मैंने एक ऑब्जेक्ट कॉल किया स्टूडेंट S1 370. तो इससे क्या होगा, इससे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल हो जाएगा. सो दैट मीन्स, अगर मैं यहां पे लिखता हूं आउटपुट,
इसका मतलब क्या होगा, एस वन डॉट एस आई डी कितना हो जाएगा इस वाली कॉल से, 3। ऐसे ही एस वन डॉट मार्क्स कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, नाउ आई एम कॉलिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट एस टू, और इसमें मैंने आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया, एस वन, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया। अब कौन सा कॉल होगा, अब ये कॉल होगा, और एस वन का जो रेफरेंस है, इंस्टेंस है, वो किस में चला गया, एस में। सो एस टू डॉट एस आई डी कितना होगा, एस टू डॉट एस आई डी इज इक्वल्स टू एस डॉट एस आई डी, ठीक है ना, ऐसे ही होगा, यहाँ पे हमने वही लिखा है। और एस डॉट एस आई डी किसके बराबर है, एस वन डॉट एस आई डी, क्योंकि एस के अंदर किसका इंस्टेंस है, अब एस वन का। सो इट इज इक्वल्स टू एस वन डॉट एस आई डी विच इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही एस टू डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू एस डॉट मार्क्स विच इज इक्वल्स टू एस वन डॉट मार्क्स, और वो कितना हो जाएगा, 70। सो इस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो एक कॉल तो हमने देखी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट एस टू एंड देन ब्रैकेट में एस वन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट एस थ्री इज इक्वल्स टू एस वन। इस टाइम पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। सो दैट इज हाउ द कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क्स। नाउ वी विल सी डिफरेंट सिनेरियोस व्हेन अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो डिफरेंट सिचुएशंस जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो एक बार देखते हैं कि कब कब कॉपी कंस्ट्रक्टर की कॉल होती है। सो सबसे पहले है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू की तरह पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर। सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ फंक्शन void get marks, एक फंक्शन है void get marks, और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है इट इज ऑफ टाइप क्लास। सो हेयर स्टूडेंट इज अ क्लास, स्टूडेंट एक क्लास है, ठीक है। सो अगर अब मैं कॉल कर रहा हूं इस फंक्शन को ऐसे, get marks S1, where S1 is an object of student class. So S1 is a object of student class. तो अगर ऐसे हम कॉल कर रहे हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, कॉल होगा। तो ये पहला सिनेरियो जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे और कब इन्वोक होता है। ऐसी सेकेंड सिनेरियो है when an function returns an object. So when an object is written by a function, copy constructor is invoked. So for example, इसी में ही अगर हमने ऐसे लिखा होता, student get marks. So basically यहां पे क्या करा है हमने, ये जो get marks function है इसका return type क्या है, student. So return type of, यहां पे आप लिख लो, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन गेट मार्क्स इज अ क्लास, और उस क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। सो अगर एक ऐसा फंक्शन है और उस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं कुछ इस तरह, एस टू इज इक्वल्स टू गेट मार्क्स, तो भी क्या होगा, तो भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस वक्त भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एस टू भी एक ऑब्जेक्ट है। सो यहां से जब इसको कॉल करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और वो किसके अंदर आ जाएगा, वैल्यू एस टू के अंदर। सो हेयर ऑल्सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो यहां पे भी एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कैसे उनकी वर्किंग होती है, और ये दो सिनारियोज हैं बेसिकली कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। एग्जांपल इसका इस वीडियो के एंड में जब मैं प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ आपको, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जांपल हम कैसे रन करते हैं, कैसे हम लिखते हैं उसे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
सो इसका क्या मतलब है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का? इट मीन्स दैट द इनिशियल वैल्यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट मे बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम. जनरली हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हार्ड कोर कर देते हैं, बट अगर वैल्यूज़ को रन टाइम पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. सो स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल लेंगे. सपोज एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, सिंपल डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. अब देर इज़ अ कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इंट आई एंड फ्लोट जे, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है एस आई डी इज इक्वल्स टू आई और मार्क्स इज इक्वल्स टू जे. तो ये कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है. नाउ वी विल सी हाउ टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर और हाउ टू पास द वैल्यूज ऑफ दिस पैरामीटर्स विच इज डिफाइंड इन साइड द कंस्ट्रक्टर ड्यूरिंग रन टाइम. तो उसके लिए मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे. सो इंट मेन. अब क्या करना है मुझे, दो वैल्यूज मैं ले लेता हूं, इंट एक्स एंड फ्लोट वाई. दो वैल्यूज ले ली सिंपल. नाउ लेट अस टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर एट द रन टाइम. सो सी इन सिंपल एक्स और ऐसे ही सी इन वाई. अब यूजर इन दोनों की वैल्यूज को पास करेगा, कीबोर्ड से एंटर करेगा. Now I am calling this student with the values that are provided during runtime x and y. So अब क्या होगा, now this statement student xy, this is an example of runtime or dynamic initialization. So ये क्या है, this is dynamic initialization. With values x and y, x और y की वैल्यू जो भी यूजर डायनेमिकली एंटर करेगा, रन टाइम पे एंटर करेगा, उनसे ये इनिशियलाइज हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, जैसे ही होगा ये इसको कॉल करेगा. i के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे i के अंदर आ जाएगा x की वैल्यू और j के अंदर आ जाएगा y की वैल्यू. सो दिस विल बिकम एस आई डी इज इक्वल्स टू x, जो यूजर यहाँ पे x पास कर रहा है, एंड दिस विल बिकम मार्क्स इज इक्वल्स टू वाई, जो वाई की वैल्यू यूजर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं. सो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अगर मैं यहाँ पे जब यूजर ने इसको रन किया उसने एंटर किया 5 और यहाँ पे एंटर किया 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 5 एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू 40. तो इस तरह से डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर. So this is about dynamic initialization of objects, copy constructors and ways to call constructor, that is implicit and explicit call. Now we will see the complete programming part of the entire lecture on code blocks. So keep tuned and keep watch the video, and if you have any issues, any problem, then you can post your comments in the comment section below. So now let's go to the programming part. So ab dekhte hain प्रोग्रामिंग पार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डिफरेंट वेज टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल. दो वेज होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ मैंने, क्लास बनाई है स्टूडेंट, सेम वही प्रोग्राम है, एस आई डी मार्क्स, कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है यहाँ पे, एस आई डी को आई से इनिशलाइज किया है और मार्क्स को जे से इनिशलाइज किया है. एक फंक्शन है शो डिटेल्स जो स्टूडेंट का आईडी और उसके मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा है. अब देखो इम्प्लिसिट कॉल करने के लिए डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना होता है स्टूडेंट एस वन 370, यानी अब 3 किस में जाएगा, आई में, 70 जाएगा जे में. तो जब आप एस वन डॉट शो डिटेल्स को कॉल करोगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए, स्टूडेंट आईडी 3 मार्क्स 70. और एक्सप्लिसिट कॉल क्या होती है, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर का नाम एक्सप्लिसिटली लिखते हैं. तो जब स्टूडेंट एस टू को हमने किया तो वो हुआ 4 एंड 60, यानी 4 किस में चला गया, एस आई डी में, और 60 किस में चला गया, मार्क्स में. तो जब आप
एस टू डॉट शो डिटेल्स को कॉल करोगे तो आएगा 4 and 60। तो अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टर, ये रहा इम्प्लिसिट कॉल विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर नेम, एक्सप्लिसिट कॉल विद कंस्ट्रक्टर नेम। अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करके आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है, 370 जो इम्प्लिसिट कॉल से था और 460 जो एक्सप्लिसिट कॉल से था। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉल अ कंस्ट्रक्टर इन टू डिफरेंट वेज, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें देखना है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जैसे मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर की थ्योरी में बताया था, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा है, क्लास बनाई है स्टूडेंट, वही सेम स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। अब ये जो है स्टूडेंट, स्टूडेंट एम्फरसेंट एस, दिस इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था इसको डिक्लेयर करने का क्या होता है, स्टूडेंट क्लास एंड उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट। और एस आई डी को किससे इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, एस डॉट एस आई डी, यानी इस वाले एस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा उसके एस आई डी से। ऐसी मार्क्स को किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, एस डॉट मार्क्स से। शो डिटेल्स फंक्शन है। अब देखो सबसे पहले क्या करा, स्टूडेंट एस वन 370, यानी एस वन डॉट एस आई डी कितना हो गया 3, एस वन डॉट मार्क्स कितना हो गया 70। उसके बाद मैंने कॉल किया स्टूडेंट एस टू और अब मैंने पास कर दिया एस वन, दैट मीन्स स्टूडेंट एस टू के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। और एस के अंदर हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया, एस वन, यानी एस वन का रेफरेंस किस में चला जाएगा, एस के अंदर। तो एस डॉट एस आई डी किसके बराबर है, बेसिकली एस वन डॉट एस आई डी, और एस वन डॉट एस आई डी कितना था 3। ऐसी एस डॉट मार्क्स किसके बराबर है, एस वन डॉट मार्क्स के, और वो कितना था 70। यानी एस टू डॉट एस आई डी कितना हो जाएगा 3, एस टू डॉट मार्क्स कितना हो जाएगा 70। तो जब हम इन दोनों को शो डिटेल्स फंक्शन से कॉल करेंगे तो दोनों में सेम वैल्यूज 3 और 70 आनी चाहिए। देखते हैं इसका प्रोग्राम, प्रोग्राम ये लिखा हुआ मैंने, ये एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ये एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे हमने रेफरेंस यूज़ किया ऑब्जेक्ट का। जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नॉर्मल। जब इसको पास करेंगे, जबकि हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों के केस में वैल्यूज क्या आ रही हैं, 370। सो दिस इज हाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मैंने क्या कहा था कि जो यूजर रन टाइम पे वैल्यूज को एंटर करेगा कीबोर्ड के थ्रू, उन वैल्यूज को यूज करके हम कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। प्रोग्राम यहां तक बिल्कुल सेम है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे अब मैंने क्या करा है, मेन के अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लिए हैं। स्टूडेंट आईडी की वैल्यू एक्स के अंदर ले रहे हैं, स्टूडेंट मार्क्स की वैल्यू वाई के अंदर ले रहे हैं। और जब मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ तो मैं एक्स और वाई पास कर रहा हूँ, यानी जो यूज़र डायनेमिकली रन टाइम पे जो वैल्यूज एंटर करेगा वो वैल्यूज मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर रहा हूँ। सो दिस इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए बाई इसको रन करके देखते हैं। ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, स्टूडेंट एस वन एक्स और वाई, और ये वैल्यूज रन टाइम पे जो हम पास करेंगे। तो अब ये पूछा है स्टूडेंट आईडी, सपोज मैंने एंटर किया 5, स्टूडेंट मार्क्स 60। सो आप देख सकते हो इसमें आउटपुट क्या प्रिंट किया, स्टूडेंट आईडी 5 एंड मार्क्स 60। तो ये है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो दे आर द प्रोग्राम्स, आप इनको नोट कर सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.